शिक्षकों के हड़ताल से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हड़ताली शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने सदर प्रखंड के विधायक श्री आनंद शंकर सिंह से मिले और आपका ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना था कि समान कार्य का समान वेतन एवं सेवा शर्तें लागू करें, और उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। इस पर विधायक जी का कहना था कि जब तक शिक्षक भूखा है तब तक ज्ञान का भंडार सूखा है। उनका यह भी कहना था कि शिक्षकों का एक नियमावली रूपरेखा बननी चाहिए ताकि अपने जनजीवन को सुदृढ़ ढंग से जी सके। हाँ, शिक्षक लोग आज घेराव किए हैं आपका। इसको घेराव नहीं बोलते हैं, ये लोग अपना क्या नाम है, पत्र सौंपने आए थे अपने, उसमें राज्यव्यापी इन लोग का आंदोलन चल रहा है और तरसंगत भी है। इन लोगों को जिस हिसाब से सेवा शर्त नियमावली आज तक नहीं बनी है, किसी की पत्नी 50 किलोमीटर दूर किसी को जाना है, कोई 20 किलोमीटर दूर जा रहा है, पेंशन की व्यवस्था नहीं है, आश्रितों अगर इनके अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इनके आश्रितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो इन सब व्यवस्थाओं के प्रति इनका रोष है। मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए, और पेंशन से संबंधित और आश्रितों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो तय होना चाहिए। सेवा शर्त नियमावली तय होनी चाहिए ताकि इन लोगों को भी जीवन यापन करने में, और जब हम लोग तो नारा लगाते हैं वहाँ, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है, तो शिक्षक का जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। समर्थन करते हैं इन लोगों का। आप लोग आज विधायक जी के पास आए, क्या मांगे? ये शिक्षकों का, बिहार के चालक शिक्षकों का हड़ताल चल रहा है, समान काम की समान व्यवस्था को लेकर के 17 फरवरी से, और बिहार सरकार से हमारी मांग है कि पूर्ण वेतन मान की घोषणा करें, सेवा शर्त लागू करें, लेकिन अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। यहां तक कि हम शिक्षक लगातार आज 13-14 साल से काम करते आ रहे हैं, 60 साल की नौकरी है, और राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मिला हुआ अभी तक। इस मामले को लेकर के हड़ताल जारी है, और आज के दिन, आज 1 मार्च है, 1 मार्च को बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्र में हमारे शिक्षक जा रहे हैं, और हम सब शिक्षक नेताओं से मिल करके और विधायक उनके आवास पे घेरा डालो, डेरा डालो करके घेर करके, और उनको अपनी मांग से संबंधित पत्र सौंप रहे हैं ताकि आप अपने स्तर से विधानसभा में हमारी आवाज़ को मजबूती से उठाएं। इसलिए कि सर पे विधानसभा चुनाव है, इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले अगर विधानसभा में जो भी प्रतिनिधि हमारी बात को मजबूती से नहीं उठाएंगे, हम उनका साथ नहीं है, हमारा ये यकीन आ रहा है। इस मांग को लेकर विधायक जी के पास आपने आया, विधायक जी ने क्या संतुष्ट किया? विधायक जी बोले कि हमारा जो पार्टी है वह आपकी आवाज़ को मजबूती से उठाया है और हम लोग रख रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के शिक्षकों की बिगड़ती हालात के लिए चिंतित है, लेकिन हम आप शिक्षकों के साथ हैं, आवाज़ को मजबूती से उठाने के लिए तैयार हैं। तो आप विधायक जी की बात से संतुष्ट हुए? फिलहाल तो संतुष्ट होना पड़ेगा, इसलिए कि सबसे पहले तो किसी भी कदम का यह पहल होता है कि वार्ता हो, और वार्ता में विधायक जी ने जो संतुष्ट है बातें बताई, इससे हम लोग फिलहाल संतुष्ट हैं। अब कितनी दम के साथ आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में, अब सामने आने वाला है। क्या नाम हुआ सर? जयंत कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। औरंगाबाद से नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। Nation 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल, और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल Nation 24 के साथ। नमस्कार।